तो पिछले टर्न पर जो है हमने आपसे बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र किसी कोई अगर आवेश हो, है ना, कोई अगर आवेश हो आपके पास, ओके, 10 मिनट, 1 मिनट। अगर कोई आवेश अगर आपके पास है, मान लीजिए कि यह एक आवेश है आपके पास, यह मान लीजिए कि एक पॉजिटिव आवेश आपके पास है, ठीक है, ठीक थोड़ा 2-1 दिन परेशानी होगी इससे, लेकिन सब लोग लाइन पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मान लीजिए कि एक पॉजिटिव आवेश है, ये प्लस, ठीक है, पॉजिटिव आवेश है, तो इसके बगल में बेटा अगर यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज लाया जाए क्या होगा? ये मान लीजिए चार्ज कैपिटल क्यू के बराबर है, इसके बगल में अगर थोड़ा सा चार्ज अगर क्यू नॉट अगर लाया जाए, ठीक है, होगा प्रतिकर्षण होगा। हाँ, प्रतिकर्षण होगा, बिल्कुल प्रतिकर्षण होगा, ओके, प्रतिकर्षण होगा मतलब इसके ऊपर बल लगेगा, इसके ऊपर जो है बल लगेगा, और बल जो है वो इस दिशा में लगेगा, बल इस दिशा में लगेगा, लगेगा भैया। हाँ सर, अच्छा चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर आवेश को रखा जाए, यहां पर अगर आवेश को रखा जाए, ये क्यू नॉट को घिसका करके जो है यहां पर लाए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाए, ठीक है, ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पर लाए तो बताइए क्या यहां पर भी बल महसूस करेगा? बोलो बेटा, क्या बी पॉइंट पर भी यह बल महसूस करेगा? बोलिए। हाँ, रवि रंजन, हाँ बिल्कुल बल महसूस करेगा, लेकिन यहाँ पर जो बी पॉइंट पर है जो बल महसूस करेगा वो ए पॉइंट पर जब था तो उसे कम बल महसूस होता है, ठीक है, तो बल महसूस करेगा। कोई अगर आवेश है, कोई आवेश है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर जो है यह एक आवेश लिया है जिसको हमने बोला है कि क्यू है, तो इसके अगल बगल यह जो क्षेत्र है, यह जो अगल बगल का क्षेत्र है, इसमें कोई भी अगर चार्ज लाए तो महसूस करेगा, वो बल महसूस करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आकर्षण बल महसूस करेगा, ठीक है। तो कोई आवेश जो है अपने चारों तरफ, 1 मिनट बताइए, हाँ बेटा, तो किसी भी आवेश के अगल बगल का वह क्षेत्र जिसमें उस कोई दूसरा आवेश लाने पर वो बल महसूस करता है, तो हम बोलते हैं कि इस आवेश का जो स्रोत आवेश है वह इसका विद्युत क्षेत्र है, ये फैलाव है, ये पूरे क्षेत्र को ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का अर्थ हम लोग समझ गए। अब समस्या ये है कि ठीक है, विद्युत क्षेत्र है,
आप जो है यहाँ पर अगर ए पॉइंट अगर ले लेते हैं, ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र और बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, क्या बराबर बराबर है कि अलग अलग है? बोलिए भाई। अलग 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 है। कैसे आप कह, अलग अलग। हाँ कैसे आप कह दे रहे हैं कि अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा? प्रतिकर्षण होने के बाद इसकी दूरी बढ़ जा रही है। नहीं, ये बेटा यहाँ पर बल कम लगेगा और यहाँ पर बल जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, यही ना? ठीक है, यहाँ पर बेटा बल कम लगेगा और सॉरी ज्यादा लगेगा और यहाँ पर कम लगेगा। कूलम का नियम आप जानते हैं ना, कूलम का नियम दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को देता है। एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट, क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू, क्यू नॉट और क्यू कैपिटल क्यू के बीच में लग रहा है, बाई आर स्क्वायर। आर जो है उनके बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए, यह क्यू और यह चार्ज अगर क्यू नॉट के बराबर है बेटा, तो कॉम्बिनेशन, ये चार्ज का कॉम्बिनेशन तो सेम है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, तो बदल क्या रहा है, केवल दूरी बदल रही है। तो अगर दूरी बदल रही है, अगर दूरी बदल रही है, अगर दूरी बदल रही है बेटा, तो अगर दूरी बदलेगा पढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घटे। दूरी अगर डबल कर देंगे तो फोर्स चार गुना कम हो जाएगा, आर स्क्वेयर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लगने वाला बल ज्यादा है और यहाँ पर लगने वाला बल कम है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, कम है। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। ओके बेटा, वाला दिन है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी बेटा, फिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कैसे नापें, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को नापें कैसे? तो नापते हैं, तो उसको नापते हैं, एक भौतिक राशि तैयार करते हैं। भौतिक राशि का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता। तो भाई किसी विद्युत क्षेत्र में जो है, किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या अर्थ होता है? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ए बिंदु पर आपने जो है, ए बिंदु पर एक आवेश रखा और इस पर जो बल लगा, आवेश जो आपने रखा उसका नाम रख दे रहे हैं क्यू नॉट, उसका परिमाण क्यू नॉट के बराबर है। उस पर लग रहा है जो बल, वह एफ नॉट लग रहा है। मान लीजिए परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और बहुत 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 छोटा होता है। परीक्षण आवेश सदैव बहुत छोटा होता है और क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मार्केट में गए हैं मूंगफली खरीदने, है ना, तो मूंगफली तुरंत खरीद लेंगे कि थोड़ा सा टेस्ट करेंगे? बोलिए। बोलो भाई रोहित, मूंगफली खरीदने अगर आप गए हैं तो उस मूंगफली को थोड़ा पहले टेस्ट करेंगे ना? हाँ नहीं, बोलिए भाई, कोई बोल सकता है। ठीक है निर्भय, आप थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, तो थोड़ा सा जब मांगेंगे तो क्या वो आपको एक किलो दे देगा टेस्ट करने के लिए? निर्भय, वो थोड़ा सा एक मूंगफली देगा, आप उसे टेस्ट करेंगे तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इस बिंदु ए पर या इस बिंदु पर, आप सब लोग बेटा अपना स्पीकर ऑफ रखिए। ठीक है, ए बिंदु और बी बिंदु पर हम चाह रहे हैं कि कितना विद्युत क्षेत्र है, तो उसके लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम एक भौतिक राशि परिभाषित करेंगे जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो है ए पॉइंट पर हमने जो आवेश जो रखा है वो क्यू नॉट के बराबर रखा है, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, एफ नॉट। तो क्यू नॉट जो आवेश रखा गया उस पर लग रहा है फोर्स कितना, उस पर फोर्स लग रहा है एफ नॉट के बराबर।
तो अगर बेटा वहां पर इकाई अगर आवेश रखेंगे तो कितना बल लगेगा, इकाई परीक्षण आवेश रखेंगे तो कितना बल लगेगा, वो बल लगेगा एफ नॉट बाई वाट, क्यू नॉट के बराबर लगेगा। इसी को हम बोलते हैं उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो किसी बिंदु की तीव्रता, किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ क्या है, उस बिंदु पर आप क्या कीजिए, एक परीक्षण आवेश रखिए, एकांक परीक्षण आवेश रखिए। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश रखिए और उस पर देखिए कि कितना बल लग रहा है। तो जितना बल लगेगा वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बल बटा आवेश है। ठीक है, बल बटा आवेश है, क्या होती है न्यूटन होती है, और आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होगी, एसआई इकाई न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। ठीक है भैया, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। आप देखिए विद्युत क्षेत्र जो है बल प्रति एकांक आवेश पर है, तो बल एक सदिश भौतिक राशि है और आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। तो जब एक सदिश भौतिक राशि में एक अदिश भौतिक राशि से विभाजन किया जाता है तो भैया जो भौतिक राशि मेरे को मिलती है वह भौतिक राशि जो होती है वह सदिश भौतिक राशि होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह एक सदिश भौतिक राशि। ठीक है, ओके बच्चों बोलो भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि है। निर्भय कुमार अपना स्पीकर करिए, निर्भय कुमार, निर्भय कुमार जी अपना स्पीकर बंद कर लो बेटा, आवाज आ रही है। ठीक है, तो एक एक शर्त ये है, शर्त क्या है, शर्त ये है तो आप परीक्षण आवेश रखेंगे किसी बिंदु का जो है क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, आप जो परीक्षण रखेंगे वह परीक्षण आवेश कैसा होना चाहिए, वो परीक्षण आवेश बहुत 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 छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए एनसीईआरटी वाली किताब में मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर देखिए एनसीईआरटी वाली किताब में देखिए यहाँ देखिए बिंदु ये जो है ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल प्रति एकांक, कभी कभी कट जाता है उस, कभी कभी थोड़ा सा कट जाता है, इसे घबराइए नहीं, अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इसी तरह से पढ़ाई अच्छे से हो सकती है ना, और थोड़ा ये लय में हम लोग आ जाएंगे तो इसको हम लोग रेगुलर कर देंगे। ठीक है, ओके, अभी एक दिन के अंदर से क्लास रेगुलर कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बेटा वह एफ बाई क्यू है, लेकिन ये लिमिट लिया जा रहा है। ये लिमिट क्यों भला लिया जा रहा है, ये लिमिट क्यों लिया जा रहा है, लिमिट का मतलब समझते हैं ना आप लोग, सब लोगों क्लास। ये देखिए किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता है बेटा एफ बाई क्यू तो होगा, लेकिन क्यू टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, मतलब ये जो परीक्षण आवेश होना चाहिए वो बहुत 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 छोटा होना चाहिए। क्यों क्यों छोटा होना चाहिए, बड़ा करके करेंगे, हमें तो सिर्फ यही करना है कि क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो एफ के बराबर लग रहा है, तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, एकांक आवेश पर जो बल लगेगा वह F बटा Q हो जाएगा, तो परिभाषा के अनुसार यह वहां का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। फिर ये शर्त क्यों लगाई जा रही है, क्यों वेरी 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 स्मॉल क्यों होगा, ये शर्त क्यों लगाई जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है ये, इसको हम लोग कि अगर अगर मान लीजिए एक मिनट का, अगर इस बिंदु हम इस बिंदु पर जो है अगर परीक्षण आवेश Q नॉट अगर रखें और यहाँ पर एक चार्ज है, क्या बड़ा सा एक चार्ज है, आवेश है कैपिटल Q, इस आवेश
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, ठीक है। बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ एक परीक्षण आवेश को रखा, क्यू नॉट को रखा, ठीक है। तो क्यू तो यह कैपिटल क्यू वाला जो आवेश है इसके ऊपर बल लगाएगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, एफ लगाएगा, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, ये एक जो है भौतिक राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो एफ बटा एफ प्रति एकांक आवेश पर जो लगेगा एफ बाई क्यू, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त ये भी लगा दे रहे हैं, लिमिट ले लेना चाह रहा हूँ, लिमिट क्यू नॉट होगा, क्यू नॉट टेंडिंग टूवर्ड्स, नॉट टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, क्यू नॉट टेंडिंग टूवर्ड्स, मतलब ये जो आवेश का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए, वो बहुत 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 छोटा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर ये है कि अगर यह परीक्षण आवेश बेटा परीक्षण आवेश बड़ा होगा, ठीक है, क्या करेगा इस पर जो स्रोत आवेश है जिसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके ऊपर भी बल लगाएगा, और जब बल लगाएगा तो क्या करेगा, इसको धकेल यहाँ पर कर दे, तो क्यू पहले यहाँ था तो अब ये यहाँ पर हो जाएगा, तो इसकी स्थिति में बदलाव हो जाएगा। तो जब बेटा ये यहाँ से अगर चला जाएगा तो यह जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वह विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो नापने के लिए, ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही भैया, देखो बेटा यहाँ पर मान लो यह बिंदु ए है, फिर से समझो, यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, ए बिंदु जो है हमारा स्रोत आवेश रखा गया है, इसके कारण वातावरण में क्या उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण वातावरण के हर बिंदु पर, इसके कारण वातावरण के हर बिंदु पर यह जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसके कारण वातावरण के हर बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है, तो जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो ये जब ए पर है, तो ये आवेश ए पर है, तो हमारी इच्छा है कि यह बी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज बोला जाता है, टेस्ट चार्ज को हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश, तो जब भी टेस्ट चार्ज शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो दो बातें उसमें अंतर्निहित होती हैं, पहली बात यह कि टेस्ट पॉजिटिव होता है और दूसरी बात यह कि टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलिए, अंकिता बेटा, जो लोग हाथ उठाए हैं अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस परीक्षण हमारा काम, हमें ये बताना है कि इस परीक्षण आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ए बिंदु पर जो हमारा स्रोत आवेश रखा गया है उसके कारण बी बिंदु पर कितना है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितना है, तो उसके लिए क्या किया गया है, मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, या वहां पर हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे, ठीक है, वहां पर हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे Q0 परीक्षण आवेश रखेंगे पता करने के लिए या कि ये बी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र इस स्रोत चार्ज के कारण, तो देखेंगे कि इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, मान लीजिए एफ के बराबर लग रहा है, तो क्यू नॉट आवेश पर जो बल लग रहा है वो कितने के बराबर लग रहा है, एफ के बराबर लग रहा है बच्चों, ठीक है। तो इकाई आवेश पर कितना बल लगेगा, इकाई आवेश पर जो बल लगेगा वह बटा क्यू नॉट के बराबर लगेगा, और इकाई आवेश पर जो बल लगेगा उसी को हम उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे, ठीक है, आप लोगों ने स्वीकार, यहाँ पर लिमिट भी लगा देंगे, लिमिट क्यों लगा?
लिमिट ये कहने के लिए कि क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ये जीरो की तरफ भाग रहा है, ऐसा बस इसलिए करेंगे। अच्छा अच्छा बताइए, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर मान लीजिए स्रोत है और बी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा मान लीजिए टेन न्यूटन पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, टेन न्यूटन पर कूलम उत्पन्न हो रहा है। अब मान लीजिए कि ए वाले आवेश कैपिटल क्यू को बेटा हम यहां पर लेते हैं, कैपिटल क्यू को आवेश को यहां पर लेते हैं, तो बताइए बी बिंदु पर वह जो क्षेत्र यहां से उत्पन्न करेगा वह ज्यादा उत्पन्न करेगा कि कम उत्पन्न करेगा, बोलिए। कम उत्पन्न करेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे कम उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा देर के लिए हम मान ले रहे अभी रंजन कि यहाँ जो बी बिंदु पर हम परीक्षण आवेश जो लाए वो बम्पर ला दिए, बहुत बड़ा सा आवेश ला दिए, तो क्या इस बड़े आवेश के कारण इसके ऊपर बल लगने लगेगा, स्रोत आवेश के ऊपर लगेगा ज्यादा, बोलो भाई। तो ये हो सकता है बेटा कि अपनी जगह छोड़ करके यहाँ पर आ जाए, अपनी जगह छोड़ करके यहाँ पर आ जाए। तो जब ये यहां पर आ जाएगा तो यह इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बी वाले बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यह वह विद्युत क्षेत्र नहीं होगा जो यह ए बिंदु पर रह करके उत्पन्न करता। तो स्रोत आवेश जो ये जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर हम टेस्ट चार्ज जो रखेंगे वो बहुत ही छोटा रखेंगे, ताकि इसके ऊपर लगने वाला बल बहुत ही छोटा हो, ताकि यह अपनी जगह से खिसकने ना पाए। अगर खिसक गया भैया हम उस विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे जिसको निकालने के लिए इस आवेश को यहाँ पर रखें, ठीक है। इसीलिए परीक्षण आवेश को जो है बहुत ही छोटा रखा जाता है, क्लियर हुई बात। तो किसी भी बिंदु पर शिवेंद्र विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए करेंगे उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं और परीक्षण आवेश पर जितना बल लग रहा है उसको निकाल लेंगे, और भैया निकालने के बाद देखेंगे कि एकांक आवेश पर क्यू नॉट पर जो है एफ के बराबर बल लग रहा है तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, वो एफ बाई क्यू नॉट के बराबर बल लगेगा, तो वो वहां का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक, हाँ ठीक है। अब जो है ठीक, हाँ ठीक है बेटा, अब जो है एक प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश जो रुका हुआ है, क्यों बिंदु आवेश क्यों ले रहे हैं और रुका हुआ क्यों ले रहे हैं, बिंदु आवेश रुका हुआ इसलिए ले रहे हैं कि कूलाम का नियम बिंदु आवेश पर ही लागू होता है और तब लागू होता है जब वो रुका हुआ होता है। तो एक बिंदु आवेश ले लिया जो कि रुका हुआ है मान लीजिए कैपिटल क्यू के बराबर है, और यहाँ पर बचा एक ये बिंदु P है जो इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है, जो इस बिंदु आवेश से R दूरी पर उपस्थित है, यहां से यहां तक जो दूरी है वो R के बराबर है। हमारी इच्छा है कि एक फार्मूला निकालें, जिसकी मदद से P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है उसको निकाल लें। सीधी सी बात है, आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा शिवेंद्र बताइए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, रवि रंजन? नहीं पता, एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा क्यू नॉट, हमने बताया परीक्षण आवेश का बहुत ही छोटा होता है और पॉजिटिव होता है, तो एक परीक्षण आवेश रखेंगे। क्या जो आवेश क्यू है वह क्यू नॉट वाले आवेश पर बल लगाएगा, बोलो भैया। तो यह बल जो है हम कूलम के नियम से लगा निकाल सकते हैं, एफ इजिकल क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, आर स्क्वायर का हो जाएगा। तो एक ये जो है क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल इतना है, तो इस बिंदु पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
बेटा वह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इज इक्वल टू क्या होगा एफ बाई क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। एफ मेरे को मिल चुका है कितना है 1/4 pi epsilon naught इंटू कैप क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब कुल बटा बेटा अगर क्यू अगर कर कुल बटा अगर क्यू नॉट कर दिया जाए तो क्या क्यू नॉट से कट जाएगा? बोलो भैया। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बिंदु आ इस कारण देखिए ये फार्मूला जो है आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि एक बिंदु आवेश के कारण ये मान लीजिए बिंदु आवेश कैपिटल क्यू इसे आर दूरी पर उपस्थित किसी बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला सूत्र स्थापित करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखिए उसके ऊपर कितना बल लग रहा है वो निकाल लीजिए और भाई बल में जो परीक्षण आवेश है उसे भाग दे दीजिए तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, ओके बेटा, ओके। तो ये बहुत ही सरल सी बात थी, है ना। तो अब जो है एक प्रश्न ये आता है विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है, है ना। विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाया जाता है, समानांतर है। कोई जरूरी नहीं कि ये रेखाएं समानांतर ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये रेखाएं समानांतर हो, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। जहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा हर जगह, यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है हर जगह विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या है बराबर है, तो ऐसे क्षेत्र को जो है समानांतर लाइनों के द्वारा दिखाया जाता है। लाइनों में जो ये एरो है वो बता रहा है कि इसकी दिशा किधर है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है लेफ्ट से राइट की तरफ है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हर जगह ई के बराबर है। चलिए हम इसमें एक आवेश रख देते हैं प्लस क्यू नॉट, मान लीजिए कि एक आवेश हम रख देते हैं प्लस क्यू नॉट। तो क्या बेटा यह जो आवेश रखा गया है इसके ऊपर बल लगेगा? लगेगा कि नहीं? लगेगा। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है इसलिए बल लगेगा, वो इधर की तरफ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में है तो मैं देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी अभी हम लोगों ने परिभाषित किया है। क्या परिभाषित किया है? परिभाषित किया है कि बल प्रति एकांक आवेश। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर बच्चों बोलो भैया एफ बराबर क्या लिख दें बच्चों बोलिए। एफ बराबर हम लिख देंगे क्यू नॉट इंटू ई। इसी से तीव्रता का भौतिक महत्व निकाल सकते हैं। आपसे अगर पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या अर्थ है, तो बहुत आसानी से आप बोलिए कि भैया किसी स्थान पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई के बराबर है और वहां पर जो आवेश अगर क्यू नॉट के बराबर रखा गया है तो हम बता सकते हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लगेगा भैया? क्यू नॉट इंटू ई। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व है। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तुरंत आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं कि वहां पर रखे गए आवेश पर बल कितना लगेगा। ठीक है, अगर क्यू नॉट आवेश उस बिंदु पर रखा गया और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर है तो उस पर लगने वाला बल एफ जो होगा वो क्यू नॉट इंटू ई के बराबर जाएगा। ठीक है, बोलो भाई रवि। ओके बच्चों, आप लोग अपना नाम भी जो है जरूर से अपना सेंड कर दीजिएगा नंबर। ठीक है, मुझे मैं नाम से स्टोर कर लूंगा क्योंकि
नाम से आप लोग नहीं, ये ओप्पो A15 आ रहा है, अपने अपने फोन का नाम जो है अपने नाम के आधार पर रख दीजिए, ठीक है ना। अपने फोन का नाम जो है अपना अपना नाम रख दीजिए, ठीक है, ताकि नाम आए बेटा। हम कहें क्या कहें, ओप्पो A15 बोलो बोलो, या A12 बोलो, ये बोलें हाँ। प्लीज अपना नाम रख दीजिए। तो आज हम लोगों ने जो अभी पढ़ा बेटा वो ये पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है, और विद्युत क्षेत्र को नापने के लिए हम लोगों ने एक भौतिक राशि का आविष्कार किया, उस भौतिक राशि का नाम भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है, वहां पर एकांक परीक्षण आवेश रखिए, उसके ऊपर जितना बल लगेगा उसी को हम क्या उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर ऊपर बताया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एफ नॉट बाई क्यू नॉट से निकाला जा सकता है। तो एफ नॉट तो भौतिक राशि कैसी है, सदिश है, क्यू नॉट क्या है, अदिश है, आवेश अदिश है, बल जो है सदिश, और यह बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सदिश होगा। जब हम एक सदिश में एक अदिश भाग देते हैं तो हमको एक सदिश भौतिक राशि मिलती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो एक सदिश भौतिक राशि होगा। और यहाँ पर मैंने बताया कि परीक्षण आवेश जो होगा उस पर ये लिमिट क्यों लगाएंगे, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड जीरो, मतलब परीक्षण आवेश बहुत छोटा क्यों होगा, परीक्षण आवेश को बहुत छोटा इसलिए लिया जाता है ताकि वो स्रोत आवेश को प्रभावित न करने पाए। पता चला बड़ा सा आपने परीक्षण आवेश ले आकर के रख दिया, ठीक है, ओके, और जो है भैया वो परीक्षण आवेश स्रोत आवेश को ही उड़ा दिया, ठीक है, ओके भैया, क्लियर है बच्चों, कटेगा है ना, उससे घबराने की बात नहीं है ना। अब बोर्ड परीक्षा, जो बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा वो बेटा ये प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर उपस्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, वहां पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख देना है, देखना है कि इसके कारण कितना बल लगेगा, इसके कारण बल इतने के बराबर लगा तो एफ बाई क्यू नॉट कर देंगे तो वहां पर क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो वहां पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी, ओके, ठीक है बच्चों, बोलो भाई। फिर हमने आपको लास्ट में ये बात बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है भौतिक, ठीक है। तो बच्चों आज ये क्लास मैं यहीं पर ओवर कर दे रहा हूँ, कल 9 बजे इसी समय आप लोग फिर मिलिएगा, ठीक है, थोड़ा 2-4 दिन एडजस्ट होने में लगेगा, ठीक है। कल मैं इसी लिंक से आप लोगों को मिलना है, इसी कोड से मिलना है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग पढ़ लीजिएगा, खास तौर से यह वाला सूत्र का निगमन जरूर कर लीजिएगा, बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम लोग कट जाएंगे बेटा, ओके, टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है।